नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी खबर मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अक्षय कौर। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपको इंडिया न्यूज की खबर के असर की बता रहे हैं। यह खबर शुजालपुर से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल वाहन चेकिंग के नाम पर किस तरह से वसूली का धंधा चल रहा था, इस खबर को इंडिया न्यूज ने बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद एसपी यातायात ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल बाइक सवारों से खुलेआम रिश्वत की मांग की गई थी और इंडिया न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई थी। अब इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। घुसखोर आरक्षक जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। एसपी यातायात ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी आरक्षक जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरह से वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली का धंधा पुलिसकर्मियों की तरफ से चला जा रहा है और इस खबर के दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने मामले पर गंभीरता बरती है। एसपी यातायात ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी कि किस तरह से वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली का धंधा चल रहा है और इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब अधिकारी हरकत में आए हैं। एसपी यातायात ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक जितेंद्र को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि एक शख्स को रोका गया था जिसके पास वाहन के कागजात नहीं थे और कागजात न होने के एवज में 500 रुपए की मांग की गई थी। जब युवक ने इस बात से इनकार किया कि वो 500 रुपए नहीं दे सकता, तब उससे ये कहा गया कि 200 से 250 रुपए देने के बाद उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन जब युवक ने ये कहा कि उसके पास 100 रुपए हैं, पुलिसकर्मी ने युवक से 100 रुपए लेने के बाद उसे छोड़ दिया था। लेकिन ये तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब विभाग ने गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लिया है और आरोपी आरक्षक जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। पुरुषोत्तम हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, किए की सजा तो मिल गई, लेकिन सवाल उठता है कि ये वो तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हो गई, लेकिन तमाम इस तरह के मामले सामने आते हैं जब वसूली का गोरख धंधा इस तरह से चलता है वाहन चेकिंग के नाम पर। अक्षय, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस मामले को भी गंभीरता से तो लिया गया है, लेकिन केवल एक ही यातायात आरक्षक को निलंबित किया गया है, जबकि ड्यूटी पर एक सब इंस्पेक्टर और चार अन्य लोग भी मौजूद थे। उनकी भूमिका की कोई जांच अभी तक पुलिस नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में यातायात आरक्षक जितेंद्र को निलंबित करने की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है और जो शिकायतकर्ता युवक है उसकी शिकायत पर प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे जाने की बात कही जा रही है। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे। आपने सही कहा कि इंडिया न्यूज ने जब इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया तो पुलिस अधिकारी जागे हैं कि किस तरह से चोरी के वाहनों की धरपकड़ के नाम पर चेकिंग की जाती है और किस तरह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंडिया न्यूज इससे वास्ता नहीं रखता कि पुलिस ने क्या किया। लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और यदि पुलिस को कोई यातायात के नियम तोड़ता हुआ मिलता है तो जुर्माना किया जाना चाहिए, चालान बनाया जाना चाहिए, रुपए लेकर रसीद दी जाना चाहिए। लेकिन पुलिस का ये रवैया सरासर गलत है कि रुपए लेकर जेब में रख लिए जाए और वाहन चालकों को रसीद तक न दी जाए। बिल्कुल, आरोपी आरक्षक से पूछताछ की गई इस पूरे मामले को लेकर, क्या सफाई दे रहा है वो अपनी? अक्षय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो फुटेज है उसमें भी आरोपी आरक्षक पहले ये मना करता रहा, जो सफेद वर्दी में दिख रहे हैं उन्होंने पहले मना किया कि उन्होंने कोई रुपए नहीं लिए, लेकिन जब कैमरे पर बार बार युवक ने दोहराया कि उसने रुपए उन्हें दिए हैं और इन सभी पुलिसकर्मियों को सामने दिए हैं तो उस आरक्षक ने 100 का नोट जेब से निकाला और इस युवक को वापस दिया है। वो फुटेज भी चले। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी के लिए।